Hi friends, I'm Anamika and welcome to Anna's Recipes. Friends, आज मेरे पास एक special request आई है मेरी एक dear friend से जो मेरी subscriber हैं. उन्होंने मुझसे कहा है एक ऐसी recipe बनाना जो कि वो बना सकते हैं जब घर में बहुत सारे मेहमान आए हों. Actually उनके घर में एक function है, उनकी बड़ी sister को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो ऐसी recipe चाहती है जो बहुत ही attractive हो और इतने लोगों को पसंद आए और बहुत presentable हो और साथ ही साथ typical Indian और tasty dish हो. तो मैं जो आपको रेसिपी बताने वाली हूँ उस रेसिपी का नाम है टमाटो सरप्राइज. फ्रेंड्स, एक और बात बताती हूँ इस रेसिपी से, ये रेसिपी मेरी मदर की रेसिपी है. ये रेसिपी उन्होंने बनाई थी जब उनकी सिस्टर को उनकी सिस्टर को देखने के लिए आए थे, एंड इट वाज 20 to 20 ईयर्स बैक जब उन्होंने इस रेसिपी को इन्वेंट किया था, और सब ने इतनी तारीफ़ों से इसको खाया था कि आज भी जब वो लोग हमारे घर पे आते हैं तो मेरी मम्मी से सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं कि वो रेसिपी बना के बताइए. तो ये उनकी जो सिग्नेचर डिश है, ये मैं आपको बताती हूँ, इट्स वेरी टेस्टी, वेरी यमी और बहुत ही प्रेजेंटेबल है. तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं टमाटो सरप्राइज. Hey friends, click on the subscribe button and press the bell icon to get the latest updates about my recipes. Friends, मैंने छोले की सब्जी में से थोड़े से सूखे छोले लिए हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता, आधा प्याज और एक हरी मिर्च, 3 से 4 टमाटर, 5 बॉयल्ड आलू, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, और मसाले हैं जिसमें है नमक, काली मिर्च, गरम मसाला. सबसे पहले छोलों में कटा प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ. इसमें मैंने और कोई मसाला नहीं डाला है क्योंकि ये सब्जी के छोले हैं. टमाटर को मैंने स्कूप आउट कर लिया है और इसके अंदर का जो मसाला है वो निकाल दिया है. आलू को मैंने अच्छे से मैश करके कॉर्नफ्लावर मिला दिया है. इसमें नमक, गरम मसाला और काली मिर्च भी मिला देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करना है. ये देखिए, अब टमाटर में जो हमारे छोलों का मिक्सचर है उसे भर लेती हूँ. जितना आप इसमें भर सकते हैं भर लीजिए. मैंने छोलों की सब्जी में से सिर्फ सूखे छोले लिए हैं जिससे कि मैं इसे ईजिली भर पाऊँ. आप चाहें तो आप बॉइल्ड छोले भी ले सकते हैं. इसी तरह से अपने चारों टमाटर मैं भर लेती हूँ उनकी कैप के साथ. कैप को मैंने साथ में रखा है, उसको फेंका नहीं है. अब जो आलू का मिक्सचर हमने बनाया था उसको हम अपने हाथों से अच्छे से स्प्रेड करके उसमें अंदर टमाटर को रखेंगे बहुत ध्यान से, और उसको अच्छे से कवर कर देंगे. हल्के हाथ से दबा दबा के इसे अच्छे से कवर करके हम एक बॉल बना देंगे और इस बॉल को साइड में रख देते हैं. दूसरी बॉल बनाते हैं. आप चाहें तो अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए ताकि आलू चिपके नहीं. ये देखिए, ऐसे ही एक और बॉल बना दिए और इस मिक्सचर में हमारी करीब 4 बॉल्स बन जाएंगी. बाकी मिक्सचर की भी बना देते हैं इसी तरह से. अब मैदे और पानी का एक पतला सा घोल बना के इस बॉल को उसमें डुबो के हमें तलना है. मैंने मस्टर्ड ऑयल में इनको तल रही हूँ. ये देखिए, आराम से इस बॉल को आप उठाइए और तेल में डालिए. गरम तेल में मैंने मुझे इसे तलना है और 4 से 5 मिनट में ही तल जाएंगे, और इन्हें ज़्यादा हिलाना नहीं है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं. ये देखिए, ये एकदम तल गए हैं. निकाल लेती हूँ इनको प्लेट में. एक्सेस ऑयल ये सोक कर लेगा पेपर में. और अब आप इसे सर्व कीजिए चटनी के साथ, मीठी चटनी और हरी चटनी, और ये एकदम रेडी है.